मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा प्रेम करने के चलते प्रतिदिन आपसे इस वचन से बातें करता है। उसके साथ प्रतिदिन आप चलते हैं ना, ऐसे ध्यान दे के प्रार्थना करने के द्वारा ही जो है उसकी सामर्थ में प्रभु अगुवाई करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 59:19 वचन में परमेश्वर इस बातों का कहता है, क्योंकि जब शत्रु महानंद की नाई चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरोध झंडा खड़ा करेगा। दुश्मन कौन सा वो दुश्मन है? शैतान। इस दुनिया में जो बुरे शक्ति के रूप में काम करता ना, उसी को हम कहते हैं। वो शैतान परमेश्वर के लोहों को विरोध में महानंद के नाई आके वो हमारे लोहों को नाश करने के लिए कोशिश करेगा। जब शैतान अपने लोहों को तंग करता तब पवित्र आत्मा कहेगा, बस यहीं पर रुको, आगे नहीं बढ़ना है। वो जय का झंडा हमारे लिए फहराता और कहता है, मैं बच्चों को सुरक्षित करूंगा कहता। परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। इस संसार में कितने तकलीफ मुसीबतें आता है जो हमारे लिए नाश करने के लिए खड़ा होता है ना। आप बाढ़ पर ध्यान दिए होंगे और समुद्र की लहरों का आप देखिएगा, ऐसे ही हमारा शैतान भी हमारे विरोध में खड़ा होता है। कुछ साल के पहले सुनामी का लहर आया था ना, उस वक्त तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में कुछ इलाकों में सुनामी के लहरों के समय में बहुत अद्भुत काम हुआ था। उसमें एक अद्भुत काम है, मेरा प्रिय एक भाई साम जबदुरे वो अपने घटना में बताए। उनके पास एक बहन आके अपने घटना को बताई, वो अपने अनुभव को बताई। वो समुद्र के किनारे मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। समुद्र के किनारे होके वो मछलियां बेचते हैं। जब वो मछली को बेचने के समय देखे, वो एक गर्भवती स्त्री है, ठीक से उनको डिलीवरी या संतान होने का समय था। उसी वक्त में समुद्र के किनारे देख रही बड़ी लहर जो है, उसने देखी उसकी ओर ये लहरें जो है बढ़कर आ रही है। सब लोग दौड़ने लगे, भाग दौड़ हो गया। सब लोग सोच रहे थे इतना जो है लहरें आना, दौड़ो दौड़ो करके चिल्ला के दौड़ रहे थे, लेकिन ये गर्भवती स्त्री होने के चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस बहन को पता चल गया दौड़ के जो है बच नहीं सकते हैं, इसलिए वहीं पर खड़े हो के ये यीशु तू ही मुझको मदद करना करके बुलाई। मैं दौड़ नहीं सकती, मैं इधर उधर भाग नहीं सकती, तू ही मुझे मदद करना करके यीशु की ओर उन्होंने चिल्लाई। बड़ा एक चमत्कार हुआ। जी हाँ, प्रकृति से बढ़कर प्रभु ने एक चमत्कार काम किया। लहर दो भाग होके उसे पार करके चला गया। ये जब तक पारने के लहरें उसको नहीं डुबाया। इस प्रकार परमेश्वर अद्भुत काम किया। इस बातों को उस बहन ने वर्णन करके उनसे बताई थी। कितने बड़े बाढ़ भी आने से भी, सुनामी आने से भी, सुनामी के समान दुश्मन आपको नाश करने के लिए उठने से भी, आपको बचाने वाला प्रभु साथ में, कितने जादू टोना मांत्रिक आपके साथ खड़े होने से भी, ये यीशु तू ही मुझको बचाना करके परमेश्वर को बुलाना है। यदि प्रभु साथ में रहने से कोई भी दुश्मन नहीं आ सकता है, इसलिए प्रभु से विश्वास से आज उनसे कहना चाहिए, हे प्रभु मैं तेरे संतान है, कोई भी शत्रु दुश्मन मुझे कुछ भी विरोध नहीं कर सकता है। दुश्मन कैसे भी आने से तू मुझे बचाने वाला। विश्वास से कहिएगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आइए हम कहेंगे, ये यीशु तू मुझ पर इतना प्रेम करता है, बड़ी बड़ी लहरों के समान शैतान आने से तू मुझे बचाने के लिए तो मेरे साथ रख बचाता है प्रभु, इसलिए स्तुति वो स्तुति वो। यीशु के नाम से विजय को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन।